मीडिया का उपयोग जनमत बनाने में नहीं, बल्कि जनमत को नियंत्रित करने में हो रहा है, बोले डॉक्टर प्रभात। डिजिटल युग में पत्रकारिता की भूमिका और चुनौतियां विषयक संगोष्ठी आयोजित। राजनीतिक चिंतक, सहविश्लेषक एवं पूर्व निदेशक आकाशवाणी पूर्णिया डॉक्टर प्रभात नारायण झा ने डिजिटल युग की पत्रकारिता को सरोकार के साथ प्रचार का सशक्त माध्यम बताया और कहा कि मीडिया का उपयोग अब जनमत बनाने में नहीं, बल्कि जनमत को नियंत्रित करने में हो रहा है। डॉक्टर झा ने ख्यातिलब्ध पत्रकार एवं समाज सेवी स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 89वीं जयंती के अवसर पर सागर सभागार में आयोजित डिजिटल युग में पत्रकारिता की भूमिका और चुनौतियां विषयक गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि उदंत मारतंड शुरू हुई हिंदी पत्रकारिता डिजिटल युग में चौमुखी हो गई है। इसका ध्येय उद्देश्य सब बदल गया है। अब इसका वास्ता सिर्फ सरोकार से नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रचार का भी सशक्त माध्यम है। राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि पत्रकारिता में बदलाव की शुरुआत 1991 के उदारवादी दौर से हुई। विदेशी पूंजी प्रवाह से पत्रकारिता में विज्ञापन का दखल बढ़ा और मानवीय सरोकार प्रभावित होने लगा, जो डिजिटल युग में इस कदर हावी हो गया कि पत्रकारिता से मानवीय संवेदना गायब हो गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का प्रसारण व्यावसायिक हितों के अनुरूप हो रहा है। प्रख्यात पत्रकार एवं टाइम्स ऑफ स्वराज के संपादक संतोष सिंह ने कहा कि डिजिटल युग में पत्रकारिता भरोसे के संकट से जूझ रही है। खबर देखकर लोगों को यकीन नहीं होता है, लोग उसकी पुष्टि पत्रकारिता के दूसरे माध्यम से करते हैं। श्री सिंह ने फेक न्यूज़ के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेवार करार दिया और कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने IT सेल बना रखा है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र अभी तक स्वस्थ है जब तक पत्रकारिता स्वतंत्र है। संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि डिजिटल मीडिया दोधारी तलवार सदृश है। इसका जिस तरीके से इस्तेमाल होगा, परिणाम वैसा ही सामने आएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विज्ञान संघ का अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, पर्यावरणविद डॉक्टर विद्यानाथ झा, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गौरी शंकर राय, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर AK गुप्ता आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संगोष्ठी का संचालन पत्रकार प्रोफेसर सतीश सिंह ने किया, जबकि अतिथियों का स्वागत पत्रकार प्रदीप कुमार गुप्ता ने किया। विषय प्रवेश डॉक्टर रामचंद्र चंद्रेश और धन्यवाद ज्ञापन प्रमोद गुप्ता ने किया। कर लिया है तो 2-4 दिन हम लोग खबर को डालते थे कि थोड़ा सही ढंग से इलाज उसका हो जाए। क्रिमिनल किसी जात का नहीं है, क्रिमिनल किसी परिवार का नहीं है। इस मानसिकता से हम लोग पहले काम करते थे और उसमें सहयोग करते थे प्रशासन को कि आप पहले इसमें से कुछ निकाल लीजिए, कानूनी जो पेचीदगी है वह पेचीदगी नहीं फंसे, और तब हम लोग काम करते थे। यह वर्तमान डिजिटल युग में इसका कहीं न कहीं पर अभाव हो गया है। हर काम गलत है सही है यह कहना मुश्किल है, सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि जो मुझे आज सही लग रहा है, एज MLA मुझे लग रहा है कि इन्होंने यह खबर क्यों नहीं छापी, मुझे महिमा मंडित क्यों नहीं कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन आपको सोचना है समाज के हिसाब से, समाज के लिए जो उपयोगी हो। हर समय निगेटिव मानसिकता लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव भी लेकर के अगर चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज के हित में काम कर लेंगे। और आपका मुख्य काम है समाज का विकास करना, समाज को प्रगति पर लाना, समाज में जो व्याप्त खामियां हैं उसको दिखलाना, लेकिन वह गंभीरता के साथ। डिजिटल युग में जो वर्तमान क्षेत्र में कुछ लोगों को छोड़ करके अधिकांश लोग जो है उस गंभीरता का उनमें अभाव रहता है, जिसके कारण विश्वसनीयता का कहा न मैं, एक डॉक्टर अनिवार्य है, उसके अतिरिक्त जितने आदमी हैं, शिक्षक कितना क्लास लेते हैं हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कितना क्लास हम लोग लेते हैं।
आज या जो उत्सुक हुआ उनके जाकर मांगने के लिए अभी मांगना नहीं पड़ता है, सूचना हमें मिलती है हम 50 को भेज देते हैं। अब सब लोग अपने अपने सूचना जो भी सूचना मिलता है उसको भेज देते हैं। अगर रात में कोई आप देखे वीडियो में और सुबह बोलिएगा तो कहेगा हाँ हमको मालूम है, तो सूचना त्वरित मिलता है और त्वरित उसका आजकल सर ने सही कहा, मैं उसको मतलब तो मानता नहीं, सब पत्रकार हो गए हैं लेकिन पत्रकार होना चाह रहे हैं ये बात सही है, उनको लगता है पत्रकार है वो है नहीं ऐसे, वो सूचना ट्रांसफर करते हैं सूचना स्थानांतरित करते हैं लेकिन पत्रकार होने के जो हकता है वो एक अलग चीज है। खैर जो भी हो तो कोई भी आदमी कहीं भी कोई घटना देखता है मोबाइल उसके पास है फोटो लिया तो वायरल कर दिया, यूट्यूब के अलावा बहुत सारे और इंस्टाग्राम हो गए या कोई वेबसाइट हो गया है, कोई पेज हो गया है, फेसबुक हो गया है, ट्विटर हो गया है, कहीं से सूचना हर जगह पहुंच जाती है। आप ट्रेन में जा रहे होते हैं ट्वीट करते हैं के बगल में एक्सचेंज हुआ करता था वहाँ हम लोग बैठे रहते थे कब ट्रंक की लाइन मिलेगी, और आज डिजिटल युग की जो पत्रकारिता हो गई है इसमें कहा जाए कि एक युगांतकारी परिवर्तन इसने ला दिया है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और निश्चित रूप से यह जो परिवर्तन आया है इस परिवर्तन के कारण कई चुनौतियां भी उभर कर सामने में आई हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं प्रमोद जी का जिन्होंने ऐसे विषय को संगोष्ठी के लिए चुना जिस पर वास्तव में गंभीर विमर्श की आवश्यकता है। और प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर कृष्ण कुमार झा जी की अध्यक्षता में हो रही इस संगोष्ठी में इस विषय पर विमर्श करने के लिए एक से एक अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज यहाँ विराजमान हैं। आवश्यकता नहीं है, मैं इतना ही जानता हूँ कि पत्थरों से लेकर धातु शिला पत्र से लेकर पत्रकारिता आगे बढ़ती रही है। पत्रकारिता का प्रारंभ कहाँ से हुआ इस पर भी विवाद है, लेकिन कहा जाता है कि रोम से इसका प्रारंभ हुआ। ईसा पूर्व 141 में धातु पर नहीं पत्थर के टुकड़े पर दैनिक अखबार का प्रकाशन किया गया था, इसका सूत्र हमें मिलता है। तो बात पत्थर पत्रकारिता की हो, धातु पट्टी पत्रकारिता की हो, कागजी पत्रकारिता की हो या डिजिटल युग की पत्रकारिता की हो, सबके बीच में एक ही बात मुख्यतः निकली है और वह है सेवा भावना। इतना ही अच्छा है दवाई में लेकर के और काफी कार्यकारी सब जगह डिजिटल युग का उपयोग हो रहा है, लेकिन सबसे असली बात है कि कुछ चुनौतियों को ध्यान में रख करके प्रशासन ध्यान दे या सभी व्यक्ति ध्यान दे, क्योंकि पत्रकार लोगों को तो हमने देखा है कि भाई वो क्या खाए हम उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आज थोड़ा मैंने न्यूज कलेक्ट करके हम भेजें समाज में, क्योंकि पत्रकारिता की शुरुआत 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के लिए और उनका संवाद कौमुदी वो अखबार में किया, और ये आते आते आज जो हम लोग यहाँ आ रहे हैं उन्होंने पत्रकारिता संघ किया था 1972 में, और उस समय दरभंगा में गिने चुने लोग थे, उनके कंटेम्प्रेरी एक दो आदमी थे जो सहयोग करते थे, और उस समय से लेकर के अभी तक जो ये दौर चला है पत्रकारिता का वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि भूमिका तो बहुत है, रेस्टोरेंट हो, स्कूल हो, परमार्थ हो, जगह हो, सब पत्रकारिता की आवश्यकता है। जी क्या कहेंगे, किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वर्गीय रामदास प्रसाद दत्ता जी की जन्मतिथि मनाई जा रही है, जिसमें हर बार विषय वस्तु गोष्ठी रहती है। इस बार की गोष्ठी में डिजिटल युग में पत्रकार की भूमिका और चुनौतियां इस विषय को रखा गया, जिसमें सारे पत्रकार और
प्रतिष्ठित लोग सब आके इसमें चर्चा करते हैं और इसमें कैसे पत्रकारों को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कैसे खड़ा रहना है, इस सब विषय पर बातचीत हुई है। पत्रकारों का क्या समस्या है डिजिटल युग में, रिपोर्टिंग में, इस सारे चीज़ का चर्चा हुआ है। और इसमें जैसे विनय कुमार चौधरी विधायक जी हैं, संतोष कुमार कशिश न्यूज के जो पूर्व माने ब्यूरो चीफ थे, प्लस लास्ट टाइम्स के जो हेड हैं माने मालिक हैं वो थे, प्रभात कुमार हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, इस तरह के गौर वक्ता सन जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया और लोगों को इनसे सुन के पत्रकारों को आगे कैसे पत्रकारिता करना है, कैसे अपने को समाज में प्रतिष्ठापित स्थापित करना है, इस विषय पर चर्चा करना होता है। प्रदीप गुप्ता विचार के द्वार खुले हैं और कुछ जानकारी भी मिलती है, इन सब से मैं ज्यादा उम्मीद कर सकता हूँ। आज की संगोष्ठी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, करीब करीब समाज के मुख्य तीन चार क्षेत्रों से प्रतिनिधि आए हैं और अपने विचार दिए, अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार रखते हैं जो निश्चित रूप से धरातल से जुड़े हुए विचार हैं। और इसकी खूबसूरती इसलिए बढ़ गई जो मेरी नज़र में सभी इसी साथ प्रखर पत्रकार और प्रखर वक्ता हमारे दरभंगा की ओर हो रही विशेषता है, ये भी आज मौजूद हैं। पता नहीं क्यों आज एकदम हजरते दाग जहाँ बैठ गए इस मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है जो दरभंगा की सड़कों पर जिन्होंने अपना समय बिताया, कहने का आशय था संतोष जी, उन्होंने अपने सारे अनुभव हम लोगों के सामने साझा किए और उस अनुभव के आधार पर ये डिजिटल पत्रकारिता की चुनौतियों से हम लोगों को अवगत कराया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दरभंगा के जाने माने पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता जी की 90वीं जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है स्थानीय दोनार चौक दरभंगा के सागर फैमिली रेस्टोरेंट में। इस अवसर पर दरभंगा शहर के कई गणमान्य पत्रकार लोगों की जमावड़ा देखने को मिल रही है। इस अवसर पर डिजिटल युग में पत्रकारिता की भूमिका और चुनौतियाँ विषय पर चल रहा कार्यक्रम, तस्वीर दरभंगा के दोनार चौक से है। अयो सर।